हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। मैं नंदी, कैसे हैं? तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं। बहुत लोग का कहना था कि मैम, मैं जब भी कुछ भी खाता हूँ, कोई भी खाना, अच्छा चाहे कितना भी पौष्टिक हो, कितना भी हेल्दी खाना हो, सादा खाना हो, फिर भी हमारे पेट में जो है गैस, एसिडिटी, डायबिटीज जैसी समस्या होती है। ऐसा क्यों होता है? इसे दूर करने के लिए कोई नेचुरल घरेलू उपाय बताएं। तो ज़्यादातर उन लोगों में देखा जाता है जो मोटापा और चर्बी से ज़्यादा परेशान रहते। कब्ज, जलन, सीने में जलन होने लगता है, बदहजमी होने लगती है, बाहर हवा निकलने लगता है। तो ऐसी समस्या क्यों होती है? जब हमारा पाचन खराब होता है, हम कितना भी अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं, चाहे वो साग सब्जी हो, जैसे कि ज़्यादा तीखा तेल मसाले वाला चीज़ें क्यों ना हो, कुछ भी हो, एनी वे वो चीज़ खाएँ, उनको हजम नहीं होता है। रीज़न ये होता है कि उनका पेट जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है, उस खाना को अच्छे से पचा नहीं पाता, उसका रस निकाल नहीं पाता है, उनके शरीर में उस सारे रस को पहुँचा नहीं पाता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जो कोई ऐसी पुरान मशीन होती है, वो जैसे कि नए के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा स्लो काम करती है। तो उसको क्या करते हैं हम, जब उसको हम बनाएंगे, उसमें तेल मोबिल डाल के, जब तक उसको हम अच्छे से रिपेयरिंग नहीं करेंगे, तब तक वो अच्छे से चलेगा नहीं। जब हम उसको अच्छे से रिपेयरिंग कर देते हैं, साफ कर देते हैं, तो वो भी अच्छे से चलने लगती है और वो भी काफ़ी फास्ट चलती है और वो काम अपना तेज़ी से करने लगती है। सेम उसी तरीके से जब हमारा पाचन का जो मशीन होता है, हमारे पाचन में भी मशीन होता है, यानी कि जो मांसपेशियाँ हैं वो एक मशीन के द्वारा भी काम करती हैं, तो उसको हमें रिपेयर करना है। और जब तक हम उसको रिपेयर करके अच्छे से साफ नहीं कर देते, वो उसी तरीके से हमारे खाने को वहाँ पर सड़ाती रहेगी। पेट में खाना जब सड़ेगा तो हमें क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, गैस। तो हमें अपने पेट को रिपेयर करना है। जब हम अपने पेट की समस्या को रिपेयर कर देंगे ना, तो हमारी पाचन जो समस्या हो रही है, ये समस्या छूमंतर हो जाएगा। तो हमें अपने पाचन के रिपेयर करने के लिए क्या करना है? जैसे कि आपको करना क्या है कि आपको लेना है 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच जीरा और 2 चम्मच अजवाइन। इन तीनों को बराबर मात्रा में लेकर तवे पे भून लें और इसका पाउडर बना दें। अब इसमें काला नमक स्वाद के अनुसार मिलाकर एक अच्छे से बॉटल में साफ सुथरा भर कर रख दें। तो आपका दवाई तैयार हो गया। अब इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है? जैसे कि जब आप सुबह, शाम या दोपहर जब भी आप खाना खाते हो, ठीक है, तो खाना खाने से 5 मिनट के बाद आप यहीं 1 चम्मच पाउडर निकालें और उसके सादे पानी के साथ सेवन कर लें। इससे आपका पेट भी साफ होगा, अच्छे से खुलकर पोटी भी आएगी और आपके पेट में जो गैस, एसिडिटी, जलन होता है, जो कच्चे ढिकारे लगता है, जैसे कि अपच जैसा हो जाता है, मिचली जैसा होने लगता है, बहुत लोगों को तो कभी कभी उल्टी भी हो जाता है, इनका पाचन खराब है, अक्सर उन्हीं लोगों के साथ ही प्रॉब्लम होता है। तो आप इसका सेवन करें, बिंदास आपकी समस्या आसानी से दूर हो जाएगी, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। अगर छोटा सा टिप्स, ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, अपनी राय कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो, नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहें, अपना एंड फैमिली को ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।